बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ शुएब अहमद और आप देख रहे हैं द किंगडम ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम कवर करेंगे द यूनिवर्स को, जिसमें यूनिवर्स का ओरिजिन आ जाएगा जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, और एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स का सेक्शन आ जाएगा, इको ऑफ द बिग बैंग आ जाएगा, और द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स आ जाएगा, जिसमें हम दो थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे, ओपन या क्लोज्ड। सबसे पहले आते हैं हम यूनिवर्स के ओरिजिन पे, कि यूनिवर्स की पैदाइश कैसे हुई, यूनिवर्स की इब्तिदा कैसे हुई और उससे पहले क्या था। तो सबसे पहला जो सवाल है जो कि इंसान के जहन में आता है वो यही है कि जब यूनिवर्स क्रिएट नहीं हुआ था तो इससे पहले क्या था। तो इसका जवाब आज की साइंस में हमें इस तरह से मिलता है कि तमाम मैटर और एनर्जी जो थी वो एक सिंगल पॉइंट के अंदर यूनिफाइड थी, जिसे सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ये हुआ कि सिंगुलैरिटी के अंदर कोई इंटरप्शन हुई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाने लगा। हमारा जो यूनिवर्स है वो तकरीबन 15 से 20 बिलियन साल पुराना है। 15 से 20 बिलियन साल पहले सिंगुलैरिटी के अंदर एक धमाका हुआ था, जिसे बिग बैंग के नाम से भी जाना जाता है, और यूनिवर्स जो है उसने एक्सपेंड होना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम आते हैं अपने नए दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। 1920 से पहले किसी को भी पता नहीं था कि यूनिवर्स जो है वो मुसलसल एक्सपेंड हो रहा है, थैंक्स टू एडविन हबल, जो कि एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले इस बात का अंदाज़ा लगाया कि हमारा यूनिवर्स जो है वो मुसलसल एक्सपेंड हो रहा है। ये काम उन्होंने एक रेड शिफ्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि डॉपलर इफ़ेक्ट की बेसिस पे होता है, उसके ज़रिए इन्होंने ये पता लगाया कि जो गैलेक्सीज़ जो हैं, जो अर्थ से जितनी दूर हैं वो उतनी ज़्यादा दूर होती जा रही हैं। इसकी मिसाल उन्होंने दी कि जैसे गुब्बारा होता है, जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारा फुलाते हुए वो जितना फूलता जाता है उतने उसके जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। तो हमारी गैलेक्सी भी बिल्कुल हमारे यूनिवर्स भी बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह एक्सपेंड हो रहा है। तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है इको ऑफ द बिग बैंग। यस, इको जो कि अभी तक सुनी जा सकती है। इको ऑफ द बिग बैंग जो है इसे हम 3K माइक्रोवेव के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है सबसे पहले डिस्कवर की थी आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, जो कि दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर की थी, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इनका मानना ये था कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अपने अख्तिताम को नहीं पहुँचती, कोई भी चीज़ शुरू से लेकर आखिर तक वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में मौजूद होती है। और इनकी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हैं, जो कि इस बात को बताते हैं कि चीज़ें जो हैं अपनी शेप्स जो हैं उनको चेंज कर लेती हैं, अपनी नेचर को चेंज कर लेती हैं, लेकिन ना ही उन्हें क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो चीज़ यूनिवर्स में जिस क्वांटिटी में है वो उस क्वांटिटी में ही रहती है। तो उसके अलावा हमारा जो इसमें जो हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो ये आ जाता है कि हमारे यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है, ओपन और क्लोज्ड। अब आप थोड़े से हैरान होंगे कि ये ओपन या क्लोज्ड क्या है, तो इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये वही सेम चीज़ें हैं जो कि आपने ऑलरेडी सुनी हुई होंगी। दो थ्योरीज़ होती हैं, एक ओपन और दूसरी क्लोज्ड। ओपन थ्योरी ये होती है कि जिसमें साइंटिस्ट इस बात पर यकीन करते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है वो हमेशा एक्सपेंड होता रहेगा और ये कभी इस चीज़ का इख्तिताम नहीं होगा। और क्लोज्ड थ्योरी जो है उसमें इस बात पर यकीन किया जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक सर्टेन पॉइंट तक जाकर उसकी एक्सपेंडिंग रुक जाएगी, और फिर उसके बाद ये कंट्रैक्ट होना शुरू होगा, जिसे द बिग क्रंच के नाम से भी जाना जाता है। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि इस टॉपिक पर मेरी फेवरेट फिल्म मिस्टर नोबडी भी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा एक और थ्योरी है जिसे साइक्लिक थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें साइंटिस्ट जो हैं इस बात पर बिलीव करते हैं कि बिग क्रंच के बाद जब हमारा यूनिवर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद सिंगुलैरिटी जो है उसमें फिर से एक्सप्लोशन के चांसेस हैं, और एक नया यूनिवर्स जो है वो वजूद में आएगा, जिसके लॉज ऑफ नेचर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे।
हम अपना आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए रोज़ नई वीडियोस लेकर आ रहे हैं और हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच।